हेलो दोस्तों, कोविड का समय चल रहा है, वैक्सीन तो आपने लगवा ही ली होगी, तो चलिए आज जानते हैं वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन की प्रक्रिया को जानने से पहले हमें वायरस के बारे में भी जानना पड़ेगा। वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक एजेंट है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है बॉडी में। वायरस को कम से कम अपना ग्रोथ शो करने के लिए और एक्शन शो करने के लिए एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत होती है। वायरस के ऊपर स्पाइक्स नामक प्रोटीन होते हैं जो कि वो होस्ट बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ मिल जाते हैं और जाकर के हमारे हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार तक पड़ सकते हैं। जब वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करी जाती हैं, कहीं ना कहीं वैक्सीन के अंदर भी वायरस का स्मॉल अमाउंट होता है, चाहे वो उसका जेनेटिक मटेरियल ही क्यों ना हो, तब जाकर के हमारी बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है और ये एंटीबॉडीज कोविड वायरस को मार देती हैं। बेसिकली हमारी बॉडी दो टाइप्स के सेल्स बनाती हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट सेल्स की को ही हम एंटीबॉडीज कहते हैं। बी लिम्फोसाइट के जरिए जैसे कि एंटीबॉडीज बनती हैं, वैसे ही टी लिम्फोसाइट सेल के जरिए हमारी मेमोरी सेल्स बनती हैं। मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है? मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी को तुरंत सचेत कर देती हैं, अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी कोविड वायरस हमारी बॉडी में आता है तो उसको वो बता देती है कि ये वही वायरस है जिसको तुमने पहले भी मारा था। तो ये था तरीका हमारी वैक्सीन कैसे काम करती है। होप कि आपको हमारी नॉलेज पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।